प्रेस वार्ता का जो विषय है कि लोगों को अवेयर किया जाए आपके माध्यम से, जो वैश्विक महामारी बहुत ही पीक पे हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ रिपोर्ट कह लो कि पूरे जम्मू प्रोविंस में उसने दस्तक दी हुई है। घरों के घर, परिवारों के परिवार जो है वो खाली हो चुके हैं। एक प्रयास एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से भी किया जा रहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से किया जा रहा है, जो भी कंसर्न हमारे एसोसिएटेड डिपार्टमेंट्स है सबसे एक ही कोशिश की जा रही है कि हम इस पर रोकथाम कैसे लगा पाए। इसका देखते हुए और जैसे कि आप सब प्रेस बंधुओं को पता है कि हम एक संगठन से संबंधित हैं, वो है भारतीय जनता पार्टी का संगठन, उधर से भी हमारी डायरेक्शन ये हैं कि हमारे जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं या जितने भी कंसर्न ऑफिशियल्स हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कंसर्न डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनसे एसोसिएटेड है, वो उनके साथ जाएं और उनसे जानकारी साझा करके जनता के बीच में अवेयर करें, जनता के बीच में रहें, उनके दुख सुख का हिस्सा रहें, उसी को केंद्रित करते हुए जैसे कि कल हमारे अध्यक्ष जी का, हमारे संगठन महामंत्री जी का आदेश हुआ था तो हमने कोशिश, हमने प्रयास किया था। कल हमारा एक विजिट रहा, हमारा सी एम ओ जे पी सिंह जी के जो हमारे डायरेक्टरेट हेल्थ में पोस्टेड है, उनके द्वारा एक हमारी संबंधित जो जानकारी का उनको डायरेक्शंस भी दी गई थी कि जो भी हमारी अपडेटेड जानकारी होती है वो 15 चार के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से रोज़ाना हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से जनता के बीच में रहनी चाहिए कि ताकि जो भी जनता की क्वेरीज हैं उसको हम सेटिस्फाई कर पाए और जनता को कुछ 1% 8% राहत महसूस हो पाए। उसी पर आधारित कुछ जो जानकारियां हमने कलेक्ट करी थी, मैं आप प्रेस वार्ता प्रेस मीडिया के माध्यम से आपके द्वारा मैं जनता के बीच में रखने जा रही हैं ताकि हम कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन जनता को दे पाए। जैसे कि आपको पता है कि हमारा ट्राई सेंटर मात्र केवल एक सीडी हॉस्पिटल रखा गया था कि पहले हमारा जो भी हमारा संक्रमित मरीज है जब हम उसको घर से उठाते हैं या वो कुछ पॉजिटिव होके अपना टेस्ट कर अपने आप को चेक कराने सीडी हॉस्पिटल पहुंचता था तो घंटों घंटों लाइन में उन्हें बैठे रहना पड़ता था और वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते थे, तो उसी को कंसिडर करते हुए कल पिछले कल से गांधीनगर हॉस्पिटल को भी एक प्राइवेट सेंटर सामने हेल्थ डिपार्टमेंट ने स्थापित किया है। दूसरा, हमारे जो कोविड हॉस्पिटल है वो सारा जो लोड है वो जीएमसी जो हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जम्मू पर उसी तक है, तो एक प्रयास किया गया है कि उसमें पिछले 2 दिन से जो राजीव गांधी हॉस्पिटल है उसको भी कोविड सेंटर घोषित किया है। दूसरा, हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोटपलवाल उसको भी हमने हेल्थ डिपार्टमेंट में एक कोविड हॉस्पिटल बना दिया गया है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों 4 जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको भी उनकी जो 50% बेडिंग है वो यूज़ कर सकते हैं फॉर द कोविड पेशेंट उनके ट्रीटमेंट के लिए। उनमें से जो 4 हॉस्पिटल जिनको एलो किया गया वो SBDM चंडी, मैत्रिका जो नए जो योद्धावर पब्लिक स्कूल के पास है उसको, दूसरा हमारा मेडिकेयर जो अकाप कम्प्लेक्स के पास है, और चौथा जो है वो BN हॉस्पिटल जो केनाल रोड पे है। इन 4 हॉस्पिटल की जो 50% है जो बेडिंग फैसिलिटी वो कोविड के लिए उन्होंने डायरेक्ट की है ताकि कोविड पेशेंट्स को कुछ राहत मिल पाए। तीसरा मेन होता है कि जनता की जो क्वेरीज हैं उसको हम सेटिस्फाई कर पाए, जो ई संजीवनी वेबसाइट जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के माध्यम से डायरेक्टरेट हेल्थ के माध्यम से जो इनिशिएट किया गया है आपने आज पत्राचार में भी देखा होगा, उसकी फुल डिस्क्रिप्शन रिटर्न में हमारे जो हमारे प्रिंट मीडिया के माध्यम से जनता में सर्कुलेट हुई है। उसमें कोविड को छोड़ के किसी भी इराकी अगर कंसल्टेशन है उसको आप अपॉइंटमेंट के थ्रू बुक कर सकते हो, बुक करके अपना जब आपकी टर्न आती है तो आप अपनी क्वेरी को सेटिस्फाई करवा पाते हैं। तीसरा, हमारे आज तक जो है वो 14,75,000 जो सैम्पलिंग है वो जम्मू की हो चुकी है, जम्मू अर्बन एरिया की,
प्रेजेंटली हमारी 20 टीमें जो है वो सैंपल कलेक्शन के लिए हमारी काम कर रही हैं। उसमें जो 4 टीमें हैं वो हमारी मोबाइल टीम्स हैं और 6 हमारी फिक्स साइट्स हैं जहाँ पे हम सैंपलिंग और टेस्टिंग जो है टेस्ट की जो व्यवस्था वो रखी हुई है। हमारे पूरे एरिया में 106 हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं जो जनता के लिए कार्यरत है। और जो हमारे रूरल ब्लॉक्स हैं 9 ब्लॉक्स में हर एक ब्लॉक में हमारा टेस्टिंग जो है यूनिट को वहाँ पे सेटअप किया गया है। आज तक अभी थोड़े ही दिन पहले हमारे 18 से 45 प्लस जो ग्रुप का जो वैक्सीनेशन है उसकी फर्स्ट डोज जो है वो 95% आज तक हो चुकी है। बहुत राहत का कारण है। और एक और जानकारी, जो फ्री हमारी जो मेडिकल किट्स हैं वो पिछले दिनों ही इसका प्रोसेसिंग शुरू हुआ था। वो 300 किट जो है वो शाम को ही डीसी ऑफिस को समर्पित की गई है ताकि जो भी कोविड पेशेंट कोई वार्ड से आता है या कहीं भी जगह से आता है अगर वो संपर्क करता है डीसी ऑफिस में तो उनकी जो संबंधित टीम बनी होगी वो जनता के बीच में रहकर इन किट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। कल से ही ये प्रोसेसिंग शुरू हुई है लेकिन इन इफ एंड बट डू और डोंट्स के साथ एक प्रिस्क्रिप्शन सब इस किट में रहेगा। इन केस अगर कोई कोविड पेशेंट पॉजिटिव होता है, घर में क्वारंटाइन है, अगर उसको किट की व्यवस्था चाहिए, इस मेडिकेशन की व्यवस्था चाहिए, ऑक्सीमीटर की ज़रूरत चाहिए तो वो संबंधित हमारा CMO ऑफिस में कंसल्ट करके वो किट जो है वो ले सकता है और अपनी मेडिकेशन करा सकता है। मैं आप प्रेस बिंदुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप जनता के बीच में रह के कोरोना वायरस का काम कर रहे हैं और ऐसी अवेयरनेस जनता के बीच में जाए। हमारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी बहुत इनिशिएटिव लेके जितने भी हमारे माइक्रो कंटेमिनेटेड जोन्स हैं उनको टॉप प्रायोरिटी पे वो सैनिटाइज कर रही है। कहीं डेथ वाले केस आते हैं या घर में कहीं इन्फेक्टेड केस है, पूरे 75 के 75 वार्डों में हमारी पंप की फैसिलिटी है। सैनिटाइजेशन पूरे हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एरिया में हो रही है। मैं यही भगवान से यही अशीष करते हैं, यही अपेक्षा करते हैं कि उनके आशीर्वाद से जल्द कोरोना पे हम जीत पाए और हमारी जनता सुरक्षा की और राहत का एहसास कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।